हाँ जी जनाब क्या हाल चाल हैं तो जी वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना हम एक वॉशिंग मशीन जो है वो रिपेयर करेंगे इसके अंदर जो है वो एक फोल्ट इस चीज़ का आया कि जी ये वॉशिंग मशीन जब हम उसको स्विच को वन वे पे या टू वे पे भी सेट करते हैं ना तो ये मशीन सिर्फ़ वन वे के ऊपर ही चल रही है ये टू वे के ऊपर नहीं चल रही और टाइमर की बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही और टाइमर जो डिले टाइम आता है उसके ऊपर भी मशीन नहीं रुक रही तो अब इस चीज़ को हमने देखना कि यहाँ पर इशू हमारा किस चीज़ का है क्योंकि रिसेंटली इसका स्विच जो है वो नए वाला ही इंस्टॉल किया गया था लेकिन यहाँ पर अगर आप टाइमर को देखें ना तो टाइमर की वो जो गाड़ियों की चलने की आवाज़ आ रही होती है ना तो यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं आ रही इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा टाइमर जो है वो ख़राब हो गया हुआ है तो सिंपली हमने इस मशीन के अंदर जो है इसका टाइमर चेंज करना है तो हमारा ये फॉल्ट जो है वो ठीक हो जाएगा तो इस चीज़ को ट्रेस करना बहुत ही आसान आएगा तो टाइमर की आवाज़ नहीं आ रही गाड़ियों रही की तो इसका मतलब है जी टाइमर ख़राब हो गया हुआ है तो सिंपली आपने इस तरह बाज़ार से नया वाला टाइमर ला कर तो अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर जो है वो आप इंस्टॉल कर लेंगे इंस्टॉल करने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान होने वाला है अच्छा अब इस मशीन की जो है ना फिटिंग कुछ ऐसी है कि इसका ऊपर से जो है वो पैनल ओपन नहीं हो सकता है ये पूरा ऊपर का कवर जो है वही हमें खोलना पड़ेगा उसके लिए चारों तरफ जो ये स्क्रू लगे हुए हैं हमने उनको ओपन करना है और हमारा ऊपर से ये कवर जो है वो जो क्योंकि इसका पैनल जो है वो फ़िक्स है तो उसके पैनल से मेरे ये कवर जो है वो ओपन हो जाएगा हर मशीन की फ़िटिंग जो है वो अलग से होती है किसी का पैनल जो है वो अलग से ओपन हो जाता है और किसी का नहीं भी होता तो उस चीज़ को आपने देख लेना है तो उसके बाद जी अब कलर कोडिंग के मुताबिक अब क्या करना है जी ये पुराना टाइमर होगा ना अगर आपको वायर्स का नहीं भी पता ना कि कौन से रंग की तार किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है तो फिर भी आपने उसको चेंज करना है ख़ुद ही तो आप कैसे कर सकते हैं आपने करना है जी पुराने टाइमर के साथ से ये तारें जो है ना बिल्कुल टाइमर के साथ से रख के तार नहीं काटनी आपने थोड़ी थोड़ी तार छोड़कर टाइमर की जो है वो सारी तारें कट कर लेनी है उसके बाद आपने नए वाला टाइमर जो है वो उसको उस बटन की जगह जो है उस टाइमर के स्क्रूज ओपन करके आपने उसको वापस उसकी जगह फिट करना है और अब वायर्स का कनेक्शन आपने इस तरह करना है कि जिस तरह जिस कलर की तार आपने कट करके यहाँ पे थोड़ी सी छोड़ी होगी आपने उसका जो है वो जॉइंट ओपन करके और नए वाले टाइमर की सेम कलर की वायर आपने वहाँ पर लगा देनी है तो इस टाइमर के अंदर क्योंकि ये कॉमन काफ़ी आम सा टाइमर है नॉर्मल वॉशिंग मशीन जो है वो मैनुअली उनके अंदर यही वाला जो है वो टाइमर यूज़ होता है तो इसकी कलर कोडिंग जो है ना वो चेंज नहीं होती ठीक है ये कलर में लाइट थोड़ा सा हो सकता है या डार्क हो सकता है लेकिन कलर कॉम्बिनेशन उसका सीक्वेंस जो है वो एक ही रहता है इस टाइमर के अंदर तो अगर आपको वायर्स का नहीं भी पता ना कि ये तार किस मकसद के लिए है तो आप सिंपली उसको थोड़ा सा कट करके और दोबारा उसको नई तार के साथ जो है आप ज्वाइन कर देंगे तो आपका टाइमर जो है फुल हंड्रेड परसेंट जो है वो ओके काम करेगा उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं रहेगा तो ये जी यहाँ पर अब हमने जो है वो टाइमर इंस्टॉल कर लिया है और अब इसको जो है वो कवर को बंद करके तो मशीन को अब चला भी चेक कर लेते हैं तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा टाइमर जो है प्रोपरली जो है उसके वो क्लिक की आवाज़ आ रही है गरारियों की और इसके अलावा हमारा हम इसको पहले वन वे के ऊपर देखते हैं कि हमारी मशीन वन वे के ऊपर ऑपरेट हो रही है स्विच के मदद से अब इस मशीन को हम जो है वो टू वे के ऊपर जो है वो कन्वर्ट करते हैं इसका स्विच तो अब देखते हैं जी कि अब ये टू वे के ऊपर जो है वो ऑपरेट होती है या नहीं तो अब जैसे ही हमने टू वे के ऊपर किया तो ये जी एक राउंड जो है वो चल रही थी जी एंटी क्लॉक तो अब ये दोबारा क्लॉक जो है वो स्टार्ट हो गई है तो इसका मतलब है कि हमारा मशीन का फॉल्ट जो है वो रिजोल्व हो गया है ख़त्म हो गया जी टाइमर का सिंपल इशू तो हमने टाइमर चेंज कर दिया ये जो पुराने वाला है टाइमर जिसकी ग्रानियाँ जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं थी कर रही तो जिसकी वजह से हमारी मशीन जो है वो एक ही साइड पर घूमती जा रही थी तो भाई इस तरह आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर भी अगर इस तरह का कोई फॉल्ट आए ना तो आप उसको इस तरह टाइमर वगैरह का हो तो आप उसको खुद ही इजीली चेंज कर सकते हैं तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब कर ले आज के लिए सिर्फ इतना ही अल्लाह हाफिज गुड बाय